क्या वाकई दिख रहा है कि सरकार की नीयत साफ है किसानों को लेकर? किसानों को लेकर सरकार की नीति में कोई दिक्कत नहीं। जिस टाइम सरकार आई मोदी की, उस टाइम चीनी का भाव 22 रुपए किलो तक आयातित धड़ाधड़ हो रही थी 0% शुल्क पे। मोदी जी ने देखा कि देश में जहाँ भी गए अल्लाह इसी चीज का है, क्या कारण है। उन्होंने जो है इस पे इसमा वाले भी बुलाए, चीनी उद्योग वाले भी, भाई किसान भी बुलाए, ये सरकार के सभी आदमी बुलाए, और उस पर देखा कि ये बाहरी जो चीनी आ रही है इस पे आयात शुल्क 0% है, बाहर चीनी फ्री मिल रही, आते ही उस पर 25% टैक्स लगाया, फिर 40 करा, आज 100% टैक्स है। हम एक चीनी का निर्धारण करा, आज 33 रुपये किलो से कम बाजार में कोई मिल चीनी नहीं बेच सकता, और बाहर चीनी निर्यात करने के लिए जो 33 रुपये के और उसके बीच का अंतर है उसकी सब्सिडी सरकार दे रही, बाहर भेजने के लिए भी हम कई कई लाख क्विंटल चीनी जो है बाहर भेज रहे, तो ये सरकार के तो फायदे हैं नहीं। 22 रुपये किलो में तो आज तक फैक्ट्री बंद हो लेती है सारी। तो जैसे गन्ना पेमेंट की भी एक दिक्कत बताई जा रही है कि सरकार गन्ना पेमेंट की दिक्कत है, सरकार को इस पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। जो काम है, काम की बात करने के लिए ये बात है कि हाँ किसान को चाहे सरकार इन सुसरू को लोन दे या कुछ करे, लेकिन पेमेंट करा देना चाहिए। ऐसा है, जब मन में चोर हो तो चोर की बात करेगा आदमी, कारण के सरकार ने काफी बार कहा कि हमारे कमी बताओ, कमी उनके पास है नहीं, कहाँ तो लिया जी, कमी कानून में है ही नहीं। और कहीं भी मारी डोल का भी मान लिया पड़ोसी के झगड़ा है तो बैठ के ही बात करी जा सके, उस पर ही तो कोई तरीका है नहीं। पर नहीं, फैसला तो हम चाह या डोल नू है तो नू ही रहनी चाह, ऐसा नहीं होता कभी। पर वो बात तो करे 2024 से पहले उठने के नहीं, कुछ भी हो जाओ, 5 साल हो जाओ, 3 साल हो जाओ, हम उठने के ही नहीं। ऐसा है, शाहीन बाग में भी हुई था कोरोना भाई यार, उनने जो है ठाक भगा दिए, इब भी कुछ और पाल लिया होंगे फिर उठका देंगे। पर वो तो आपके हक की लड़ाई लड़ रहे हैं ना, कह रहे किसान हक किसका है, ये नु तो बता दो भाई इसमें कमी या है, तो किसान भी मान लगा हाँ कमी है, कमी बता नहीं पा रहे हम, कुकर यकीन कर लेने का भाई बढ़िया कर रहे। कमी क्या तो रही कि वापस होना चाह काला कानून नहीं है। वापस होना चाह काला कानून है, अरे काला कानून है कुकर ही मान लिया। एक बात बताओ, हम इसमें हर साल ईंक बोवे, और ईंक उसमें पड़ा लगा बोदा, ईंक होता नहीं, तो हमें कुछ ना कुछ तो ट्राई करनी पड़ेगी कि हमें इसमें आलू बोना चाहे, हमें इसमें गेहूं बोने चाहे, हम ज्वार बोनी चाहे, जी भी ईंक नहीं हो रहा कुछ तो बोना चाहिए। सरकार का भी नियम यही है भाई, मान लिया जी 70 साल तो एक ही कानून बनता आ रहा, उसी कानून के तहत लोग आत्महत्या कर रहे, तरक्की किसान की हो नहीं पा रही, नौबत यहाँ तक है कि आपका उगाई पर लेने वाला भी नहीं कोई, तो कुछ ना कुछ तो सरकार को इसमें नियम में बदलाव करना ही पड़ेगा। वो अच्छा रहेगा बुरा रहेगा उसका तो प्रत्यावरण पटेगा, कैसा रहेगा। आप कह रहे कि कमी बताओ, आप फायदे बता दो, फायदा क्या है इसका कानून का? हाँ। अरे बताया तो जी, मान लिया आज तक पुराने कानून तक कोई फायदा नहीं हुआ तो नया तो लागू करना ही पड़ेगा, फायदे नुकसान का पार तो जी पारा पटेगा, जी धरातल पा लगा उसका जो है 2-3 साल हम उसका इस्तेमाल कर लेंगे। तो बीच का रास्ता कैसे निकलेगा ताऊ जी? सरकार तो कह रही है तो बातचीत निकलेगा, बातचीत करते नहीं। हाँ तो बात तो वही है ना, निकलेगा कैसे फिर? कुकर भी नहीं निकले, बैठे रहेंगे, की जरूरत है आने की? लोटा भाई हलवे पानी खूब मिल रहे, क्या दिक्कत है? जिसकी जो चीज करे वो ले लो, कहाँ जा रही जरूरत। अच्छा, सब कह रहे हैं कि हलवा पानी बहुत मिल रहा है, कैसे कह रहे हैं आप? गए हैं वहाँ पे? मेरा एक आदमी गया था वहाँ, उसने बताया कि वहाँ तो कुछ ही खाओ, काजू बादाम भी खूब आ रहे, मका रहे, वहाँ खाऊ जाओ बस, हमें तो जरूरत नहीं उनकी, हम तो अपना खा पी लें अपना गांव में जो कुछ खा पी रहे। तो जैसा कह रहे हैं कि 26 जनवरी को परेड में चलेंगे, तिरंगा लगाएंगे, तब देखेंगे कहाँ से लट्ठी चार्ज करेंगे, हम राष्ट्रगान गाएंगे अगर वो लट्ठी चार्ज करेंगे। देखो असली मुद्दा तो ये है कि ये चाह रहे हैं सरकार किसी डाल आवेशित होकर थारे पर लाठी चार्ज करवावे, ये विपक्ष वाले ये चाह रहे हैं कि पब्लिक पर लाठी चार्ज और आक्रोश फैल ले, ये संयम दिखा रहे। लेकिन देखो सरकार कहाँ तक संयम दिखाती है, है? तो लेकिन एक सीमा तो ऐसी है, टूटना पड़ेगा सरकार को, मान लिया जो एक लाठी चार्ज भी करना पड़ेगा और जरूरत पड़ी तो गोली भी चलानी पड़ेगी। एक बार यू टिके तो वहाँ दिल्ली बैठ गया था बोट क्लब पे, अर्जी उठा ही नहीं बनते तो रात को चार डब को घोड़े लगवा दिए थे, रशिया लिकट के भाज पड़े थे कुल्हड़ लाल, ये उस दिन को भूल रहे, इनके कहे थे काम कर रहे जो। तो क्या 2014 के बाद किसान की हालत में सुधार हुआ है? खूब सुधार हो रहा, या कोई सरकार की उसकी नहीं,
दिन प्रतिदिन हमारे वैज्ञानिक अच्छी अच्छी वैरायटी निकाल रहे हैं, सब काम बढ़िया चल रहा है। और फिर सरकार भी सुधार के तौर पर कुछ न कुछ करती रहती है। जैसे बीजेपी की एक देन है, किसान का गन्ना पेमेंट पहले कोई ठाडा था किसान आरे की पर्ची तोल लिया करता, फिर उसे खुलवा लिया करता, बुनवा भी लेता। इब कल्याण सिंह जी आए थे यूपी में, तो उन्होंने बैंक पेमेंट कर दिया। ये जो थे चोर से चोरी कर लिया करते, कह ले भाई एक काम और पा जा, हमारे पीछे खोज लिया करेंगे तो हम कहाँ, जबकि पीछा खिड़की पर घुसा था। तो हर कानून को जो अच्छा होता है उसका देख वरत के बारा पटे। आज बैंक के पेमेंट की इतनी बढ़िया हालत है, बैंक पेमेंट से बढ़िया हमें कुछ लगता ही नहीं। तो विरोध तो सब चीजों का होगा, ऐसा कुछ नहीं है, कोई नहीं करण दो इन्हें कर रहे। तो कौन लोग है वो तो कह रहे कि हम असली किसान है जो खेत में है वो तो भाजपा वाले किसान है। भाई सुनो, हाँ खेत में भाजपा वाले किसान होंगे, वो वहाँ बैठे होंगे। इफ किसान तुम भी देख सको, तुम तो यहाँ हरे तुम हमारा होगा। भाई कौन किसान असली है जो अपने खेत में काम कर रहा है वो असली है, एक बार जो पेंट पुरशर्ट पहन के वहाँ जा रहा है वो असली है। ऐसी तो बात तो किसान भी पहन सके ना। हाँ पहन सके, ऐसी तो कोई बात नहीं होती। लेकिन ये कोई तरीका नहीं है कि भाई किसी चीज पे सही उसका समाधान करने की ना सोच कर अड़ियल रुख अपने हो। भाई गलती किसान को बता दो तो यहाँ वाले भी है, हो सके हम भी चल पड़ेंगे भाई, लेकिन देखे बरते बिना किसी चीज की परख नहीं होती। अच्छा वो इन्हों कह रहे कि हम तो विरोध में बैठे और भाजपा कह रही है कि समर्थन में किसान ज्यादा है, तो वो समर्थन वाले क्यों दिखाई नहीं दे रहे? एक बात तो बताओ, नंग जो शहर में ऊंट पड़ा का बादशाह, नंग तो राजा भी राजा अस्ते, नंग तो थोड़े बतेरे हो, शरीफ आदमी थोड़ा बचकर आया करे, लड़ाई झगड़ा ना हो कुछ ना हो। वो तो खट्टर की रैली थी मान लिया, वहां से पुलिस भी तीर समर्थक भी थे, सब अड़ंगा था, चौधरी को पीट का मार गिरते। लेकिन नहीं, संयमित होना भी कोई चीज हो, नंग पड़ा तो कोई भी कर लो। एक हमारे मिल में तो ये किस्सा बताऊं, योगी जी आ रहे और एक ने जी मीटिंग खत्म होने लगी, चार पांच कुर्सी धर कर उन पर कुद्दा लगा, कुर्सी को लचक ने बगल बगा दिया, फिर कुद्दा फिर बगल बगा दिया, तीसरे नंबर पर फिर कुद्दा, कुर्सी ट्वीट कर लगा जो इतना चूतरू में चिट गया डंडा ट्वीट के, और बार डावेर खून ना मखून। तो एतकू राम को बैर हो, ऐसा भी हो जा। तो कह रहे कि बिल वापस नहीं तो मोदी को वापस कर देंगे अब के 2024 में। तो इस आप ही देख लो, जो किसानों का आंदोलन है कि भाई यू जो है विपक्षियों का आंदोलन है, इस चीज को तो जनता बतावेगी। बिहार में भी चुनाव हुआ के रहा, इबजा असम में वगैरह में भी चुनाव है, वहाँ बारा पट जाएगा बिल खराब है बट जाए, ये कुछ बात नहीं होती। तो जैसे मोदी जी कहते थे कि 2022 तक किसानों की आय डबल कर देंगे, क्या वाकई दिख रहा है कि सरकार की नीयत साफ है किसानों को लेकर? किसानों को लेकर सरकार की नीति में कोई दिक्कत नहीं। जिस टाइम सरकार आई मोदी की, उस टाइम चीनी का भाव 22 रुपए किलो था, आयातित धड़ाधड़ हो रही थी 0% शुल्क पे। मोदी जी ने देखा कि देश में जहाँ भी गए हल्ला इसी चीज का है, क्या कारण है। उन्होंने जो है इस पे इसमा वाले भी बुलाए, चीनी उद्योग वाले भी भाई, किसान भी बुलाए, ये सरकार के सभी आदमी बुलाए, और उस पर देखा कि ये बाहरी जो चीनी आ रही है इस पर आयात शुल्क 0% है, बाहर चीनी फ्री मिल रही, आते ही उस पर 25% टैक्स लगाया, फिर 40 करे, आज 100% टैक्स है। हम एक चीनी का निर्धारण करा, आज 33 रुपये किलो से कम बाजार में कोई मिल चीनी नहीं बेच सकता, और बाहर चीनी निर्यात करने के लिए जो 33 रुपये के और उसके बीच का अंतर है उसकी सब्सिडी सरकार दे रही, बाहर भेजने के लिए भी हम कई कई लाख क्विंटल चीनी जो है बाहर भेज रहे। तो ये सरकार के तो फायदे हैं नहीं, 22 रुपये किलो में तो आज तक फैक्ट्री बंद हो लेती है सारी। तो जैसे गन्ना पेमेंट की भी एक दिक्कत बताई जा रही है कि सरकार गन्ना पेमेंट की दिक्कत है, सरकार को इस पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। जो काम है, काम की बात करने के लिए ये बात है कि हाँ किसान को चाहे सरकार इन्हें सुसरू को लोन दे या कुछ करे, लेकिन पेमेंट करा देना चाहिए। तो बाकी और क्या क्या दिक्कत है किसानों को जो इनका सामना करना पड़ रहा है? दिक्कत कुछ नहीं है, तो दिक्कत तो हिमालय जाडा हो रहा है, काम तो करना ही पड़ेगा, या भी कोई दिक्कत हुई और दिक्कत कुछ नहीं है जी, पेमेंट की दिक्कत है। पेमेंट किसान का अगर टाइम से मिल जा तो मिल जाने मिल जाना चाहिए, ये तो हम खूब कहेंगे कि पेमेंट किसान को समय से मिल जाना चाहिए, इसी में सरकार की भलाई है, किसान दना दन खुश है बिल्कुल, कोई दिक्कत। अच्छा आपको नहीं लगता बिल को वापस ले लेना चाहिए?
नहीं लगता, क्योंकि ये संविधान के प्रति अनादर है, संविधान का, संसद का अनादर है। ये सारे कुंवर वहीं थे उस टाइम पे जी बिल पास हुआ, क्यों नहीं उस टाइम पे इन्होंने डंगा डास। वो तो कह रहे किसानों से पूछा नहीं, ये खुद नहीं ला रहे थे, वो तो कह रहे किसानों से पूछा नहीं, किसान नहीं, किसानों के प्रतिनिधि है वहाँ जो उनसे संसद में बैठे, सब नहीं जाया करते किसी बात को करण। एक गांव का प्रधान हो, प्रधान जो निर्णय ले लगा वो निर्णय हो, या तो बदतमीजी है खाली बिना मतलब की। अंबानी अडानी से पहले पूछ ले, दो साल अडानी सूत्र कांग्रेस के राज में मूंगफली बेच रहे थे, शासन वे नहीं थे, उद्योगपति नहीं थे उस टाइम भी, जब भी तो उद्योगपति होंगे। कह रहे कि गोदाम बनवा दी पहले दो साल पहले की, जबकि वे अपना लिख कर दे चुके हैं कि हमें इससे कोई संबंध ही नहीं, ना हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करते, ना हमने कहीं जमीन खरीद रखी। तो राहुल ने जो बता दिया वही गा रहे हैं। राहुल क्यों अपने उसमें जो है जाकर कहता बिचौलवा खत्म होना चाह, 12 में क्यों कानून लेना चाह रहे थे, 19 में क्यों घोषणा पत्र में लिखा था, क्यों कर रहे थे। अच्छा टिकेत जी से पूछा गया कि कानून में कमी क्या है, कमी तो नहीं बता पाए, कह रहे थे कि भंडारण होगा, जो पूंजीपति आएगा वो भंडारण करेंगे। पूंजीपति तो धुरता भंडारण करते आए करते रहेंगे, हम अगर अपनी गुंजाइश ले रहे तो हम अपने गेहूं को रोक कर धर लें भाई, हम तो दुआली पे बेचेंगे, गुंजाइश वाला रोक ले भंडार कर ले, अरे वही करेंगे, अगर वे भंडारण ना करें तो ये साला कहीं भी नहीं बिके, भंडार भी ना काम चल जाएगा, भंडारण के सरकार के द्वारा थोड़े गोदाम है कि भाई इतने सरकार पूरा कर लेगी सबको, ये खिंचा ही नहीं फिरेगा वो भंडारण ना करें उस चीज़ का। तो आपकी नज़र में क्या रास्ता है जो आंदोलन को ख़त्म कराया जा सके। रास्ता तो यूँ है कि मतलब जो है कोई भी काम हो उसे ख़त्म करने के लिए समझौता करना पड़ेगा, और समझौते को ये राज्य नहीं, समझौते को राज्य नहीं, इनका अपने पान नहीं, दूसरे के पाँव पर बजे फिरे, दूसरा उधार के पान ले रहा खींच लगा। आंदोलन कैसे खत्म होगा? देखिए लोग अगर अपने राष्ट्र का सम्मान करते हैं तो आंदोलन समाप्त हो जाएगा, अगर राष्ट्र के प्रति समर्पित नहीं है तो ये आंदोलन समाप्त नहीं होगा। एक्चुअली इन लोगों की एक तो भाषा की मर्यादा भूलते हैं लोग। आप देखो चैनल पे, हम टीवी देखते हैं, टीवी पे जो इनसे बात की जाती है विपक्षों से, ये भाषा की मर्यादा भूल जाते हैं साथ के साथ, पता नहीं क्या क्या इनकी जबान से निकलता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये लोग इतना लंबा समय हो गया, इतने लंबे समय घर छोड़ के कैसे रह सकता है अभी। मैं अगर हम घर से जाते हैं, हम किसान हैं, अगर हम घर से जाते हैं तो हम दो दिन भी बाहर नहीं रह सकते। वो तो कह रहे कि हम 6 महीने का राशन लेकर आए, हमें कोई दिक्कत तो नहीं, किसान नहीं है ये किसान नहीं है, ये तो बड़े जमींदार हैं ये लोग, तो ये किसान कहाँ होगी, तो ये तो लोग गाड़ी में चलते हैं लोग, तो किसान तो हम हैं, देखो अपने खेत में खड़े हम। तो सबसे बड़ा कारण है इनके साथ राष्ट्रभक्ति नहीं है लोगों के साथ। तो ताऊ जी जैसा कि कह रहे बिल का नुकसान भी हो सकता है, जैसा प्राइवेट कंपनियां आ जाएगी वो अपनी मनमर्जी से खरीदेगी जो जी करेगा। देखो पहले तो पहले ही लौंडा होगा कलंजी होगी, उस चीज को करने में फायदा नहीं होता। जब बिल आवेगा उसका अगर नुकसान होगा, GST आई थी, GST में कितने फेर बदल हो लिए, और आज GST का कलेक्शन इस देश को आगे ले जाने में पूरा सक्षम है। इसी तरीके से कोई भी कानून, जब हम किसी भाई हम यहाँ बुग्गी चढ़ा में और हमारी बुग्गी नहीं चढ़ी, बुग्गी उल्टी हटगी, तो हम देखेंगे इस लीक में हमें कहाँ माची गेरने की ज़रूरत है, कहाँ तो माची खोदने की ज़रूरत है। तो ये काम तो बाद में ही तो होते होंगे, पहले ही हो जाए सा बड़ंगा, या उसी पटरी पर चलते रहे, फिर जो चेगा लाठी मारे साड़ा का कहला नहीं चढ़ी अंक। तो रास्ता बनाना पड़े, बिल आवेगा उसका कोई नुकसान नजर आवेगा तो उन पे हमारे विशेषज्ञ राय देंगे, जो हमारे सांसद महोदय सब बच्चे हैं वहाँ से, वे राय देंगे कि भाई अभी हमारे लॉ में जैसे हमारा सांसद सतपाल सिंह है, हमने नहीं देखा ऐसा सांसद, और हर गाँव में हमें तो लगता नहीं कि मिन्ना कोरोना काल की, तो हम नहीं कहते कि मिन्ना हो जा किसी को उसे देखूं, और नहीं तीसरे दिन चौथे दिन दूसरे दिन अपने क्षेत्र के हर दुख दर्द में वे सम्मिलित रहे। तो जैसे देखा आपने कुछ दिन पहले ट्रैक्टर रैली निकाली गई थी, अब की बार फिर 26 जनवरी को कह रहे हैं, क्या सरकार झुक जाएगी? अरे क्यों झुकेगी, सरकार ने गलती कर रखी है, कुछ सरकार झुकेगी?
सरकार ने कोई गलती नहीं कर रखी। कानून लाने की देश में जरूरत थी, कानून ला दिया, कानून पर अमल होगा, सरकार झुकेगी नहीं। सरकार ने झुकने का काम कहीं रखा, सरकार चोर नहीं है। तो आपको लग रहा कहीं ना कहीं गलती रही सरकार की भी, सरकार को जनता के बीच पहुंचना था, समझाना था किसानों को? नहीं मेरे मित्र, गलती बिल्कुल नहीं रही। सरकार ने एक दिन में नहीं बना दिया, 12 में कांग्रेस लावे थी, 19 में कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कराया, कम से कम 30 साल लगे इस आन मन ना आ रहा है। पर कुछ किसान है वो तो समझ नहीं पा रहे ना, कह रहे कि हमें तो पता ही नहीं है कानून है क्या। किसानों को तो बेचारों को अद्दू कानून नहीं बारा, थारी पर्ची लेट होने के बाद कई दिन पीछे लो तुल जा, वो जन आवे एक दूसरे को कह लग रहा कई दिन लो बात लो तुल, तो ये तो बेचारे सुधे बोले हैं इन्हें के बारा, इन्हें तो वे कुंवर वहाँ पे चे बता दें, कह लगा कि भाई इसमें तो बहुत बुराई है, के बुराई है, कहला बहुत बुराई है, अरे कोई होंगी तो यार एक आधी हमें भी तो गिनवा, गला कब्जा हो जाएगा, अडानी यार कब्जा करें, ये भाण चौथ गद्दे में रेसी में रहने वाले लोग खेती करेंगे, यहाँ तो पसीना निकले सारे गाँव में कुछ ही तो बहुत दूर कैसे होगा। कल भी हम कुछ लोगों से बातचीत कर रहे थे, वे भी कह रहे थे जो हमारे बड़े कर रहे हो ठीक कर रहे। भरम दूर करने के लिए बात करी जा रहा है, बात ये करना नहीं चाहते, भरम दूर कहाँ तो हो जाएगा, दूसरे की टांग लग रही, इनका अपनी नहीं है। किसकी टांग है? टांग एक बार आपने देखा होगा जी, बम्बई में विस्फोट वो हुआ था, हमला मनमोहन सिंह यूएनओ में जाकर होया था अमेरिकी राष्ट्रपति के आगे, तो वहाँ के हुआ था, पाकिस्तान वाले विदेश मंत्री ने कहा था, कहला करी वीरबानी की डाल रोन लग रहा जाके भारत का प्रधानमंत्री, ये भारत का प्रधानमंत्री को देन जा कि सुसरे पता मांगण नहीं जाता, या ताकत बन रही हमारी।